हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष शर्मा आपका वापस से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल घर से स्टडी में। सो, आज हमारा कोई लेक्चर का कोई सेशन नहीं है, जो आपको शायद एनसीएसआर पढ़ाते थे लेक्चर सेशन, वो कोई आपका लेक्चर सेशन नहीं है। आज आपको कुछ स्टूडेंट्स कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका आपको समाधान, आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा, जो मैंने अपने रिसर्च से, कुछ स्टूडेंट्स के डीएम आए थे, कुछ मैसेजेस आए थे, उनके रिसर्च से मैंने ये कुछ प्रॉब्लम्स निकाली है, कुछ ये 5 प्रॉब्लम्स निकाली है मैंने, जो हर एक स्टूडेंट को इस प्रॉब्लम को फेस करना होता है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी लॉकडाउन में भी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं करी होगी। सो नो नीड टू वरी, आप अगर अभी भी स्टार्ट कर देते हैं तो आपका कोर्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी जो अपडेट्स है कि शायद आपका कुछ कोर्स कम होगा या क्या होगा या क्या नहीं होगा, तो उसके हिसाब से आप आराम से उस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। ओके, सेकंड थिंग ये कि बहुत सारे स्टूडेंट ने भी टाइम टेबल बना दिया होगा, बहुत लंबा चौड़ा टाइम टेबल बना दिया होगा कि हम पहले 2 घंटे मैच पढ़ेंगे, देन फिर आधा घंटा ब्रेक लेंगे, देन फिर 2 घंटे वापस साइंस पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले उस चीज को फाड़ दीजिए, मैं यूं तो बोल रहा हूँ फाड़ दीजिए। अब आप बोल रहे भैया बड़ी मुश्किल से ये टाइम टेबल बनाया है, अब आप बोल रहे फाड़ दीजिए तो हम फिर कैसे पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। वो जो आपने जो टाइम टेबल बनाया है वो एक हाइपोथेटिकल टाइम टेबल है, मैं आपको वही बता दूं, उस पर आप कभी भी वर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी तक आपकी जो आदतें हैं वो आपकी यही चीज चल रही थी कि आपको प्रॉपरली सोना था, प्रॉपरली क्योंकि छुट्टियां लग गई थी, लॉकडाउन चल रहा था, कुछ पढ़ाई में था नहीं, तो आप आराम से सो रहे थे, देन कुछ टीवी देख रहे थे, देन खेल रहे थे, बस यही आपकी आदत, तो आपकी ये हैबिट बन गई है। तो इस हैबिट को हटाने के लिए आप एकदम से अगर आप ये शेड्यूल करेंगे कि भाई मुझे 2 घंटे पढ़ना है, तो आप उस चीज को कभी भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप उसके रेस्पेक्ट में आप अलग चीजें कर सकते हैं कि उस टाइम टेबल को कुछ चंक्स में डिवाइड कर दें, चंक्स मींस कि कुछ टुकड़ों में, मतलब 30 मिनट्स आपने मैथ्स को दिया, देन कुछ ब्रेक ले लिया, देन 30 मिनट्स आपने साइंस को दे दिया। इससे क्या है कि और रोजाना आप इस टाइम को बढ़ाते रहें, कि मतलब जैसे आज 30 मिनट्स पढ़ा है तो आप कल 35 मिनट्स पढ़िए, देन नेक्स्ट डे 40 मिनट्स पढ़िए, और आपको उसको हैबिट लगने में 21 डेज लगते हैं। मतलब किसी भी इंसान को, किसी भी ह्यूमन बींग को किसी भी चीज की आदत लगने में कम से कम 21 दिन चाहिए होते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। ओके, सो ये तो हो गया आपका एक पार्ट, देन अब हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो मैंने कुछ रिसर्च करके निकाली है। सबसे पहले होस्ट ऑन अवेलेबल, ओके, देन माइंड नॉट सेट, फॉरगेट, फील स्लीपिंग, फोकस, इसके चीज में अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं बुक्स नॉट अवेलेबल। आप बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि भैया बुक्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अगर आप ये मान लिये कि आपके पास आपका फोन है और आपकी कोई पसंदीदा ऐप है, लाइक इंस्टाग्राम या टिकटॉक या यूट्यूब पे कुछ आप वीडियो देख रहे हो जो आपकी पसंदीदा है, अगर आपसे वो चीज छीन ली जाए, ठीक है, उसके बाद आप उसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढोगे, या तो अपने पेरेंट्स के फोन में देखोगे, अपने फादर के फोन में देखोगे वो चीज, मतलब कुछ ना कुछ आप अल्टरनेटिव, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज आप देखोगे, ठीक है। इसी के साथ आप अगर बुक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, अगर वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो ई बुक्स में अवेलेबल है, आप एक बार एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए, आपको उसमें हर एक बुक का डिटेल, मतलब हर एक बुक आपको आराम से मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने पास रख लीजिए, टाइम टू टाइम आप देख सकते हैं। आप फिर बोलेंगे भैया मुझे क्या है कि मतलब वो तो पीडीएफ फॉर्म में होंगी, मुझे मजा नहीं आती पीडीएफ फॉर्म में, मुझे फिजिकल फॉर्म में मजा आती है, ठीक है। इसका एक और सोल्यूशन है कि जैसे मैं मैथ्स का एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मैथ्स में कोई क्वेश्चन है, आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, तो वो आपके वो नोट्स भी हो जाएंगे कि आपने मतलब कॉपी में लिखा है, तो कॉपी में से आप उसका सोल्यूशन है वो भी लिख रहे हैं, क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, तो वो कॉपी में आपके पास फिजिकल फॉर्म में हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया भाई बुक्स नॉट अवेलेबल, तो आप ये बुक से आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये है कि माइंड नॉट सेट। अब माइंड नॉट सेट मतलब क्या है भैया, माइंड नॉट सेट मतलब मन नहीं करता, ठीक है, मन नहीं करता, ठीक है। तो मन कैसे नहीं करता, आप देखो मैं बताता हूँ आपको कि भाई बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर भी है, बहुत सारी वेब सीरीज भी है, बहुत सारे प्लान्स भी है, ठीक है। अब हम जब यूट्यूब पे कोई लेक्चर देखते हैं, ठीक है, उसको हमने भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसा देखा है कि वो लोग आधा लेक्चर देख लेते हैं, देन नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप वो देखते हैं कि कोई फनी वीडियो है या फिर कोई वेब सीरीज है, फिर वो सोचते हैं कि चलो भाई थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, 20 मिनट्स की वीडियो है इसको हम देख लेते हैं, देन थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद हम वापस से इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, सो अब क्या होता है कि उस वीडियो को आप क्लिक करके चला लेते हैं,
20 मिनट्स खत्म हो जाते हैं, 20 मिनट्स की वीडियो हो जाती है, उसके बाद उसकी सेकंड वीडियो जो अपने पास डिस्क्रिप्शन लिंक में आ जाती है कि भाई इसको भी देखें, तो फिर मन करता है भाई उसको भी देखें, तो ऐसे कर करके उसकी कम से कम 4-5 वीडियो आप देख लेते हैं और 40-50 मिनट्स उसकी जो आपके टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए जिस भी वीडियो को, जिस भी लेक्चर की वीडियो को या जिस भी क्वेश्चन की वीडियो को आप देखें तो पूरा देखें। पूरा देखने से होगा कि अगर उस पूरे लेक्चर में 30 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 30 में से कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। सेट होने से क्या है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में वो उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा, पक्की बात है ये। ठीक, तो ये है माइंड नोट सेट, मतलब मन आपको लगाना पड़ेगा, उसको डेली आपको रूटीन में लाना पड़ेगा, कम से कम 21 दिन का तक आपको ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने ह्यूमन माइंड में ये सेट होता है कि 21 दिन तक अगर अपन कुछ चीज करें उसके बाद वो आदत बनती है। ठीक, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट में माइंड नोट सेट। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा फॉरगेट, कि भैया हम जो भी पढ़ते हैं जब भूल जाते हैं तो उसका क्या जाती है। ठीक है बच्चों, उसका समाधान है, बहुत अच्छा समाधान है इसका, रिविजन। अब आप मेरे को ये बात बताइए कि अगर आप सो रहे हो अपने घर पे और नींद में ही आपको पानी की प्यास लगे, तो आप नींद में ही चल के मटकी के पास या फ्रिज के पास जाते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप छत पे चल जाते हो? क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि आपको पता है आप रोजाना उस जगह से जा चुके हो, आप उस जगह से फैमिलियर हो पहले से, इस वजह से आप नींद में ही उठ के आप पानी पी लोगे और वापस नींद में चल के ही आप अपने बेड पे सो जाओगे। आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि भाई आप कहीं छत पे चल रहे हैं या फिर किसी और के घर में चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये चीज है कि भाई आप भूलने, मतलब आप भूल जाते हो, इसका एक ही सोल्यूशन है, आप रिविजन करो। मतलब आप चाहे, आपने चाहे आज 4 क्वेश्चन पढ़े हो, चाहे 1 चैप्टर पढ़ा हो साइंस का, या फिर कोई केवल 4 क्वेश्चन ही पढ़े हो, बट उन 4 क्वेश्चन को आप नेक्स्ट डे या फिर वीकली एक रूटीन बनाइए कि संडे को उसका रिविजन करना है। और मैं ये शॉर्ट देता हूं कि आपको जितना टाइम को समझने में लगा है फर्स्ट टाइम, उससे 50% कम टाइम मिलेगा आपको समझने में। ठीक, तो ये हो गया भाई, आप उसके बाद आप भूलोगे नहीं कभी। ठीक, अब आप ये बताइए कि आप भाई अगर भूलना कोई बीमारी नहीं है, आप ये बताइए आप अपने घर से मतलब मार्केट जाते हो, ठीक है, उसके बाद आप मार्केट से एक बार आना और अपने दिमाग में सोचना, माइंड में सोचना कि आपने क्या क्या चीज देखी थी, आप उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करना, आप केवल 10% चीजें ही रिकॉर्ड कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अपने माइंड में ये चीज फिक्स है, भगवान ने जो बनाया अपने स्ट्रक्चर में फिक्स है कि उस चीज के आपको एक बार अगर आप किसी चीज को देख लो तो आपको याद रहेगी ही नहीं। आपको याद नहीं रही है इसका मतलब आप स्वस्थ हो, अगर आपको याद है इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग फट जाएगा, ये आप याद रखिएगा। तो रिविजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इसके लिए क्या है कि अपने दिमाग में दो, एक दिमाग मतलब दो माइंड होते हैं, लेफ्ट माइंड और राइट माइंड। लेफ्ट माइंड में जो होता है वो टेम्परेरी माइंड होता है, उसमें जो आप एक बार चीज देख लेते हैं वो टेम्परेरी रहता है, उसके बाद वो हट जाता है। राइट माइंड में आप कोशिश ये करें कि राइट हैंड का जो माइंड है उसमें आप चीजें डालने की कोशिश करें। वो कैसे करेंगे? थ्रू दिस रिविजन। आप रिविजन करेंगे तो आपको अच्छी तरह से चीज समझ में आएगी, और पहली बार जो चीज समझ में नहीं आएगी वो चीज आपको सेकंड बार में चीज समझ में आ जाएगी, डेफिनेटली मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। सो फोर्थ पॉइंट जो है वो फीलिंग्स से थी, इसका मतलब ये है कि भैया हम पढ़ते तो है नींद हो जाती है। अब बहुत अच्छी बात है आपको नींद आती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका समाधान ढूंढने में आप टाइम खर्च कीजिएगा, ना कि उस प्रॉब्लम के साथ जूझने में। ठीक है, समाधान यह है कि आपको ठीक है भाई नींद आती है। ठीक, अब आप ये बताइए कि भाई आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो पढ़ते पढ़ते टेबल पे सो जाते हैं, देन जब वो 15-20 मिनट या 25-30 मिनट बाद उनकी नींद खुलती है तो फिर वो रिग्रेट करते हैं कि भाई हम सो गए थे, हम ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाए। अब वो रिग्रेट करने के चक्कर में आगे जो वो पढ़ेंगे वो भी उनका चीजें खराब होती स्टार्ट हो जाती है। ठीक, रिग्रेट मत कीजिए, अपना दिमाग है, दिमाग को सोने के लिए वक्त चाहिए। अगर आप प्रॉपर नींद, आप वो छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, आप चाहे 15-20 मिनट पढ़िए, उसके बाद आपको अगर नींद आती है आप सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सो जाएंगे, उठने के बाद आप जो चाय वाय पीते हैं या फिर थोड़ा फ्रेंड से बात करते हैं वो ना करके आप सीधे पढ़ाई की तरफ रुक उसकी तरफ जुड़ जाइए। उससे ये होगा क्योंकि अपना अपन जैसे उठते हैं अपना जो माइंड है वो बहुत रिफ्रेश होता है, उस टाइम पे जब पढ़ेंगे ना वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा, ये मैं श्योरिटी दे रहा हूं आपको। तो
मेन यही है कि जैसे आप भाई मैंने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो चीजें अपनाई है वही मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि अगर आप वो चीजें अपनाए कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो बहुत सारे पुराने नुस्खे हैं कि भाई आगे धो लीजिए, घूम के पढ़िए या फिर बोल बोल के पढ़िए, ये भी कुछ नुस्खे हैं। लेकिन अगर आप ये नुस्खा अपनाना चाहते हैं कि भाई उठते ही सीधे आप पढ़ने बैठ जाइए जिससे आप आराम से आप रिफ्रेशिंग माइंड से आप पढ़ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो ये हुआ भाई मतलब नींद ना आए, नींद आए, नींद भी आ रही है बट अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। सो लास्ट हमारा जो प्रॉब्लम है वो है फोकस, मतलब एकाग्रता। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमारा फोकस नहीं हो पाता है एक जगह, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टे मैं तो ये कहूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है इसका, आप बोले भाई सर आप बोले बहुत अच्छी बात है भाई मेरा एकाग्रता फोकस नहीं हो पा रहा है एक जगह। मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्या है। आपको पता है कि हमारा जो भारत देश है वो यूथ का देश है। ठीक, यूथ का देश है तो यूथ में बहुत सारे माइंडसेट है, तो आप माइंडसेट चलेंगे तब जाके नए आइडियाज आएंगे, नए आइडियाज आएंगे तो वो इम्प्लीमेंट होंगे और अपनी ग्रोथ बढ़ेगी। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें कि जैसे हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं तो ये भी किसी ने पहली बार सोचा होगा, मतलब उसके माइंड में कोई ना कोई थिंकिंग आई होगी, उसका फोकस अपनी पढ़ाई से अलावा यहाँ इसमें लगा होगा। ऐसे ओला उबर है भाई, आप कार से या बाइक से फटाफट पहुंच जाते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पे, जोमेटो से स्विगी से आप खाना ऑर्डर कर लेते हो आराम से मोबाइल ऐप से, किसी ना किसी की ये थिंकिंग होगी। उसके बाद जब इम्प्लीमेंट करने के बाद जिसको सक्सेस मिल गया वो एक अच्छी कंपनी बन गई, जिसको सक्सेस नहीं मिला वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाए। तो मेन मसला ये है कि फोकस जो है, एकाग्रता जो है वो आपका मेन इशू नहीं है। मेन इशू है कि एकाग्रता हो नहीं पाती है, मतलब जब हम पढ़ने बैठते हैं तभी हम फोकस नहीं कर पाते हैं। बाकी हम अगर अपने फ्रेंड से बात कर रहे हों या फिर इंस्टाग्राम चला रहे हों या फिर टिकटॉक देख रहे हों तब तो आपके मतलब पूरी तरह से फोकस हो पाते हो, बट अगर हम अगर पढ़ते हैं तो तब फोकस नहीं हो पाते। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, उससे आपके फोकसिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। आप डेली सुबह मेडिटेशन किया कीजिए। आप मेडिटेशन आप कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। आप सुबह बैठ जाइए आराम से किसी भी जगह, किसी भी कोने में या छत पे, और ईयरफोन लगा लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब पे मेडिटेशन के साउंड्स हैं, उनको आप कान से सुनिए और वो 15-20 मिनट का सेशन होता है, आप उसको कान लगा सुन लीजिए। देखिएगा 5 या 10 मतलब उस 15-20 मिनट के बीच में 5 या 10 मिनट ऐसा आएगा जिसमें आपको कुछ भी चीज सुनाई नहीं देगी, तो आप ऐसे ही आपका ये ग्रोथ बढ़ता जाएगा। मेडिटेशन जितना आपका मेडिटेशन बढ़ता जाएगा उतनी आपकी फोकसिंग जो पावर है वो आपकी बढ़ती जाएगी, ये मैं डेफिनेटली प्रूव कर रहा हूं। तो इसके लिए क्या है मेडिटेशन। जितना आप मेडिटेशन अच्छा करते जाएंगे, जितना आप ग्रो करते जाएंगे मेडिटेशन में, उतनी आपकी फोकसिंग पावर डेफिनेटली इंक्रीज होगी। सो दैट्स ऑल, ये 5 अपने पास कुछ पॉइंट्स थे जो हर एक स्टूडेंट कम्युनिटी के में आते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से और कुछ स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स थे जिनको हमने अभी ओवरकम कर लिया है कि भाई पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करें, मन नहीं करता तो क्या करें, हम भूल जाते हैं तो क्या करें, नींद आती है तो क्या करें। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो इनको आप एक बार अपनी लाइफ में एक बार अपनी स्टडी करते टाइम एक बार इम्प्लीमेंट कीजिएगा और एक बार बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ या फिर आपकी स्टडी में क्या चेंज हुआ। ठीक है, एंड इसके अलावा भी आपको अगर कुछ जानना है या आपको समझ में नहीं आया हो इसके रिगार्डिंग तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपके जो भी डाउट होंगे क्लियर कर दिया जाएगा टाइम टू टाइम।